अभी भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ऐसे मैं कहूँ कि बिल्कुल अस्पतालों में नहीं हो रहा है। 100 में से 15 से 20% अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से निज़ाम कुछ रिंग रहा है। अगर ये ना होते फिर तो बिल्कुल ही खाना खराब था। आप इनकी गाड़ियाँ देखिए, किसी मिनिस्टर की नहीं होगी, कहाँ से आ रहे हैं इतना पैसा? ये मैं हर एक नहीं कह रहा जो इनके मेन मेन गुरु और उनकी बातें कर रहा हूँ। तो हमारी यूनियन है इसलिए नहीं बनाई जाती कि आप सिस्टम को रोक दो, यूनियन इसलिए बनाई जाती है कि आप एक तबका हो, आप कहोगे कि मेरे कोई ऊपर वाले चाहे मिनिस्टर या सेक्रेटरी कुछ वो कर रहे हैं कि आपने यूनियन बना के ये करना है कि गरीब के आप में आप ने आना है। आप यूनियन बना के अगर ऊपर वाले कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो गरीबों की बैंड बजाती है, दवाइयाँ भी बेच देते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी पैसे ले लेते हो और बजा रहे कोई ड्यूटी करे। आपको मैं बताऊं कि BMC ने पिछली हुकूमत में पोस्टिंग MS की पता है कितने की थी? 35 लाख रुपए मांगे गए, 35 लाख। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुश आमदीद, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में बात करेंगे और इसमें बात करेंगे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में 3 नशस्तें थी, इसमें पीपल्स पार्टी से कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बज़ींजो साहब, जिन्होंने 23 वोट लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं डोलकी साहब, इन्होंने 17 वोट लेकर ये कामयाब हुए हैं। और ये दोस्तान डोगी जो है ना, ये सबका निगरान वज़ीर आला जो थे अनी मंदान डोगी, उनके भाई ने JUI के शकूर गिरजई साहब, ये 16 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुबीन खिलजी से 5 वोट ले सके। 3 नशस्तों पर ये वोटिंग हुई थी। बलूचिस्तान असम्बली के 62 में से 61 अराकीन असम्बली ने वोट कास्ट किया। तो 3 नशस्तें थी, तो जिसके ज़्यादा वोट थे उसको उसकी 3 में तकसीम करना था। पहले कुद्दूस के 23 थे, फिर दोस्तैन के 17 थे, शकूर के 16 थे। तो इस तरह एक JUI को मिल गए, एक नून को, एक पीपल्स पार्टी को। तो ये रहे ज़िमनी सेनेट के इंतखाबात, जो बलूचिस्तान से 3 नशस्तें खाली हुई थी। 3 साल के लिए ये लोग जा रहे हैं सेनेट में। इसमें शकूर गिरजई साहब गालिबन पहली दफ़ा ऐवान में जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि शकूर गिरजई साहब गए हैं, बड़ा एक्सपोयर होगा। अब ये ख़ानदान भी प्रॉपर पॉलिटिक्स में आ चुका है, इनके और महमूद खाना चलजई साहब की इनकी काफ़ी अरसे से जंगें भी चल रही हैं। तो उम्मीद है कतरो वारत कम होगी। बलूचिस्तान वाले जो नाकाम हुए, इनकी सुलह करवाने में शायद इस्लामाबाद में कोई लोग बैठे हुए जो इन लोगों को जो है ना आपस में मनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका आए रोज़ एक दूसरे से आमना सामना होना है। तो अल्लाह वो करे जिसमें खैर हो। अब दूसरी बात करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत की, अभी तक वज़ीर आला ही वो हैं, सौरफ नाइक नहीं हुई है, बाकी अभी तक कैबिनेट नहीं बनी। उसका यही कहा जा रहा था कि सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के बाद हमने करना है, मतलब कैबिनेट बनानी है। तो काफ़ी एक्टिव हुए पड़े हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। हालिया दौर उन्होंने किया BMC का, जो काफ़ी मौसर रहा। और पता चला लोगों को कि 6-6 साल से डॉक्टर नहीं आ रहे, पैरामेडिक्स नहीं आ रहे, इवन स्वीपर नहीं आ रहा। क्यों? जब बड़ा ड्यूटी देता तो नीचे वाला भी वो कहता है कि जब वो नहीं दे रहा तो मुझे क्या। और फिर ज़्यादातर भर्तियाँ तो हमारी अलहमदुल्ला सिफारिश पर होती है, जो सिफारिश पर होता है अब तो वो तो स्वीपर भी सिफारिश पर लगा रहे, फिर वो काम करेंगे। और जो डॉक्टर साहब समझता है कि मेरी बड़ी अच्छी सलाहियतें हैं, मैं तो करोड़ों कमा सकता हूँ, तो खुदारा आपसे यही गुजारिश है, जब आपको सरकार की तनख्वाह तो अच्छी लगती है, सरकार की ड्यूटी अच्छी नहीं लगती, तो मूव ऑन कर जाए, ये छोड़ दे। जो गरीब समझता है कि मेरे लिए तनख्वाह बहुत कुछ है, वो आएगा, वो अपनी ड्यूटी भी देगा और किसी गरीब का भला भी होगा। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में किसी के पास बीमार हो वो तो नहीं आएगा। जो दरबदर होगा बेचारा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो यहाँ आकर वो करता है कि चलो मरने से बेहतर है, वो सकता है मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊँ। अभी भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ऐसा मैं कहूँ कि बिल्कुल अस्पतालों में नहीं हो रहा है। 100 में से 15 से 20% अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से निज़ाम कुछ रिंग रहा है। अगर ये ना होते फिर तो बिल्कुल ही खाना खराब था। लेकिन अभी भी हमने सफाई से लेकर MS तक राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाना होगा। ना अस्पतालों में कोई सूरत हाल है मरीजों के लिए, ना कोई सफाई की है, ना कोई पानी है, ना कोई दवाई है। आपको पता है ये जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि 15-20 अच्छे है, 80% का वो है। आप इनकी गाड़ियाँ देखिए, किसी मिनिस्टर की नहीं होगी, कहाँ से आ रहे हैं इतना पैसा?
ये मैं आगे के नहीं कह रहा, क्योंकि मैं मेरे गुरु है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारी यूनियन ने इसलिए नहीं बनाई जाती कि आप सिस्टम को रोन दो, यूनियन इसलिए बनाई जाती है कि आप एक तबका हो, आप कहोगे कि मैंने कोई ऊपर वाले चाहे मिनिस्टर या सेक्रेटरी कुछ वो कर रहे थे, आपने यूनियन बना के ये करना है कि गरीब के आप में आपने आना है। आप यूनियन बना के अगर अपने परिवार कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो गरीबों की बैंड बजा के दवाइयाँ भी बेच देते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी पैसे ले लेते हो और बजा रहे कोई ड्यूटी करे। आपको मैं बताऊँ कि BMC ने पिछली हुकूमत में पोस्टिंग MSP पता है कितने की थी? 35 लाख रुपये मांगे गए, 35 लाख। इसी तरह सिविल और बाकी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो MS है उसकी भी वो 1.5-2 लाख तक चली जाती है। वो एक छोटा मोटा डॉक्टर भी अपनी पोस्टिंग कराए 50-60 हज़ार देता है, नर्स तक की 30-35 हज़ार रेट चल रहे हैं। तो क्या बात करते हो, जहाँ ऐसा होगा कि पोस्टिंग भी पैसों पर मिलेगी वो क्या ठीक करेंगे? एक MS पैसे देकर आएगा उसका वो होगा कि यहाँ निज़ाम ठीक हो? यकीनन वो कहेगा हम पैसे दे के आए, वो पैसे ही बना दो। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो बड़ी अफसोसनाक हैं। अब इतने अरसे से ये लोग आ रहे हैं, क्या तब्दीली आई है? अभी वज़ीर आवास साहब तो एक्टिव हैं, लगे हुए हैं, नौजवान हैं, मौजूदा सेटअप में जो है ना माकूल बन गई। लेकिन जो लाट आ गई, करप्ट मिनिस्टर आ गया, करप्ट सेक्रेटरी आ गया, उसको तहस नहस कर देगा सिस्टम, तो फिर सिचुएशन वही होगी। आज गुफ्तगू की है गैर रस्मी मीडिया से सेनेट इंतखाबात के वक्त CM साहब ने, फरमा रहे हैं कि हम 80 रुपये सालाना लगा रहे हैं हेल्थ पर। 80 अरब रुपये यार, 80 अरब कम है? 80 अरब कहाँ जाता है? पैराडोल आपको मिलता नहीं है यहाँ, इंजेक्शन मिलता नहीं है यहाँ पे, ड्यूटी पे अगर 10 मिनट हो दो भी नजर नहीं आते सही तरीके से, कहाँ जा रहे हैं 80 अरब रुपये? लेकिन समझ नहीं आता, एजुकेशन का इससे भी ज़्यादा है। देखो क्या स्मृति हान है, टीचर रहें, बस जो टीचर है सरकारी अपने बेटे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाता जहाँ वो पढ़ाता है, होता तो यही है ना कि जहाँ वो इंसान कहीं ही कहता है कि यार जहाँ मैं हूँ तो मेरे आस पास हूँ तो नजर नहीं रहे, वहाँ प्रायोरिटी होगी। लेकिन उस्ताद साहबान अपने बच्चों को वहाँ प्राइवेट में छोड़ देते हैं और कभी ड्यूटी करनी भी हो तो सपोर्ट चले जाते हैं। और अक्सर आप देखो यूनियनबाजी पर यही कंचर हुआ है और यूनियनबाजी ने तहस नहस कर दिया निज़ाम को। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई चीज़ बुरी नहीं है, यूनियन बुरी नहीं है, उसका जो यूनियन बना के फिर दो नंबरियाँ करना ये गलत है। हकूमतें भी हमारी ऐसी आती हैं बदकिस्मती से, ऊपर से यूनियन भी ऐसी होती हैं। किस्ता कौन है? तमाम किस्ता है, जिसके पास कुछ है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, जिनके पास नहीं है दरपदन है वही अपने बच्चों को सरकार में भेजती है ना। लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है, चंद लोग हैं कमिटमेंट वाले, वो मेहरबानी करके ऐसा कुछ करें। लेकिन वो अराना जन्म जाए तो प्राइवेटाइजेशन बेहतर है, चाहे एजुकेशन हो खेल प्राइवेटाइजेशन हो कि तो कुछ होगा। ये हेल्थ कार्ड भी है, इसका भी उस तरह मौसर तरीका वो नहीं आ रहा, अभी तक भी बलुस्तान का हेल्थ कार्ड है, कई अस्पताल वाले मान ही नहीं रहे। तो मेहरबानी करें, कोई प्रॉपर निज़ाम लाएँ, कोई गरीब का बच्चा जाए अस्पताल में तो ठीक होकर आए, ना कि दो बीमारी और लेकर। किसी गरीब का बच्चा अगर स्कूल में जाए तो कुछ पढ़ के आए, ना कि बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करे या फिर उस दिन ही उठता जाए उनके वाले दिन का उसको वहाँ पढ़ा दे। तो ऐसी अच्छी अफसरान हैं उनको आगे लाए, मेहरबानी करें। सिर्फ वज़ीर आला जो भी अच्छा काम करे, चाहे वो हमारे सिना नज़रियाती इख्तलाफ ला, लेकिन अच्छा काम करे तो हमें उनको अप्रिशिएट करना होगा। जो कह रहे हैं कि अभी हम कोई 80 इस्लाहात ला रहे हैं 60 से ज़ायद, तो वो 60 से ज़ायद जो इसमें हाथ लानी है वो उस वक्त ही आप पाए तकमीर तक पहुँचाएंगे जब पूरी ईमानदारी के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि एक ईमानदार होने से सब कुछ सिस्टम हो जाए, टीम ऐसी बनाई जाए। इस दफे टेबल्स ऐसे आ गए हैं, मुझे उम्मीद तो बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन इसके लिए तादवन हर कुछ समय तमाम को साथ देना होगा। वज़ीर आला का जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना होगा, वरना क्या होगा? वरना फिर निज़ाम देखा तीसरा आप लोगों ने क्या अनुभव, बिल्कुल ऐसी हुकूमत वो बादशाह रंगीला तरस की चल रही थी। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रॉपर जो थाना कल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो समेत जहाँ जहाँ दो नंबरियाँ हो रही हैं उस पर अगर कोई कार्रवाई कर रहा तो हमें दो नंबर लोगों का साथ नहीं देना होगा, वहाँ पर सिस्टम के साथ खड़ा होना होगा। वज़ीर आला ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा लिया, ये बता रहे हैं, उम्मीद करेंगे
के चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, तमाम ऐसे लोग लगाए थे और एक मैकेनिज्म बनाए थे कि एक मैसेज पर किसी की शिकायत होगी, ये जो पोर्टल मोटर नहीं, आम बंदा बेचारे को पता नहीं चलता, कोई एक हेल्पलाइन दी, कोई एक ऐसा मोबाइल नंबर दी जहाँ किसी गरीब की किसी के भी खिलाफ शिकायत हो वो आपको वो कर सके। और हाजिरियों के लिए बायोमेट्रिक लाजमी हो, चाहे वो अबरान का सकून हो, मुसफियर का सकून हो, या कोयटा का सकून हो, या अस्पताल हो, हर जगह जब बायोमेट्रिक होगा तो ही कुछ होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम वक्ती तौर पर तो हो गया लेकिन ये चल नहीं पाएगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये तमाम चीज़ें बायोमेट्रिक होंगी और प्रॉपर ऐसे सरप्राइज विजिट होंगे और जो ड्यूटी नहीं करता उसको सलाम करके नौकरी से बर्खास्त करके, जो डिजर्विंग है, डिजर्विंग चाहे दूसरे सूबे से ही क्यों नहीं आ रहा, हमारे बारे अगर नहीं है तो उनको वो करो जो ड्यूटियाँ दे, जो उसको पहले तो वो बड़ी शिकायतें होती है दूसरे सूबों को तरजीह दी जा रही है ये वो, जब ड्यूटी नहीं देते तो फिर क्या करें। अब हेल्थ सेक्टर ऐसे तो नहीं चल सकता, तो उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आला की जो ये मुहिम है ये तेज़ी से चलेगी और जो जो दो नंबर लोग हैं हर सेक्टर में उनका सफाया किया जाएगा, हाजिरियाँ बायोमेट्रिक होंगी, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा, जो जो हाजिरी नहीं देता उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा और अच्छे ईमानदार डीसी, एसी और सेक्रेटरी लाए जाएंगी और एमएस लाए जाएंगी और इस सिस्टम पे किसी गरीब को, किसी एजुकेटेड को थोड़ा सा ट्रस्ट होगा, वरना जिस तरह चल रहा है तो ये बस आ रहा है और लूटा जा रहा है, बेहतरी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रही, हाँ अबतरी आए रोज आती जा रही। इसके लिए ज़रूरी है कि इस सिस्टम को इमरजेंसी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर ठीक करना होगा, इसके लिए हम सबको हुकूमत का साथ देना होगा, जो अच्छा काम करेगा उसका बाजू बनना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो भी है आपको हर एक हासिल है, सोशल मीडिया आपके हर एक के हाथ में है, फुल टाइम उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसका बाजू बने और उसका साथ देकर आप सिस्टम के साथ ही बने और मिलकर ही हमने अपने सूबे को, इस मुल्क को संवारना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।